हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आईसीएमआर द्वारा रिलीज किया गया एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें उसने बताया है कि आईसीएमआर जेआरएफ का एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। इससे पहले हमने देखा था कि डीबीटी जेआरएफ का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन कर दिया गया था, और अब जाके आईसीएमआर ने भी अपना जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ कर दिया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं वो नोटिफिकेशन। सो उस नोटिफिकेशन को देखने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए देख लेते हैं अब वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो आप बस गूगल ओपन करिए, गूगल में ओपन करने के बाद आप डालिए आईसीएमआर जेआरएफ। जैसे ही आप आईसीएमआर जेआरएफ सर्च करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा, जिसमें सबसे पहला जो वेबसाइट दिया होगा main.icmr.nic.in। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आईसीएमआर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत से टाइटल दे रखे हैं, तो सबसे पहला जो टाइटल है वो है इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग पोस्टपोनमेंट ऑफ आईसीएमआर जेआरएफ 2020 एग्जाम। ओके, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यह पीडीएफ दे रखा होगा राइट हैंड साइड पे, तो पीडीएफ को आपको ओपन करना है। अब जैसे ही आप पीडीएफ ओपन करेंगे तो आईसीएमआर द्वारा रिलीज़ किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि इम्पॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग पोस्टपोनमेंट ऑफ आईसीएमआर जेआरएफ 2020 एग्जाम, और जो ये नोटिफिकेशन है ये 29 जून 2020 को रिलीज़ किया गया है, यानी कि कल। ओके, सो इसमें क्या दिया गया है? इन व्यू ऑफ द कोविड-19 हेल्थ इमरजेंसी, द करेंट लॉकडाउन हैज़ बीन एक्सटेंडेड इन सेवरल स्टेट्स ऑफ इंडिया अंटिल 31 जुलाई 2020। देयर फॉर द आईसीएमआर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द अपकमिंग आईसीएमआर जेआरएफ 2020 ऑनलाइन एग्जाम शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 12 जुलाई 2020 संडे एट ऑल द 40 सेंटर इन 27 सिटीज अक्रॉस इंडिया। ओके, तो इन्होंने क्या बोला है कि जो आईसीएमआर के जो केसेस, जो कोविड-19 के जो केसेस हैं वो कंटिन्यू इंक्रीज होते जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो करंट लॉकडाउन है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है बहुत से सेवरल स्टेट्स में अंटिल 31 जुलाई 2020। अब जब इन्होंने लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया है, तब क्या होगा कि कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम नहीं करेगा। अब जिन्होंने जो अपना जो सेंटर ऑप्ट किया है अदर स्टेट्स में, तो वो जो एग्ज़ाम को अटेंड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आईसीएमआर के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उन्होंने डिसाइड किया कि आईसीएमआर एग्ज़ाम को अब हम पोस्टपोन कर दिया जाए। अब जो एग्ज़ाम 12 जुलाई 2020 यानी संडे को होने वाला था इंडिया के 40 सेंटर्स में और 27 सिटीज़ में, अब उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। इसके बाद उन्होंने बताया द न्यू डेट फॉर द एग्ज़ाम विल बी शेड्यूल्ड 2 मंथ्स आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट्स लिफ्ट लॉकडाउन इन द कंट्री एंड विल बी नोटिफाइड अकॉर्डिंग ऑन आईसीएमआर वेबसाइट। तो इन्होंने बताया कि अब जो न्यू डेट होगी आईसीएमआर एग्ज़ाम की वो शेड्यूल की जाएगी 2 महीने बाद। ओके, तो जब जो कोविड-19 के जो केसेस है, अगर उसका कर्व जो है वो फ्लैट आना स्टार्ट होगा या इसके जो केसेस है वो डिक्लाइन होने लगेंगे, उसके बाद ही गवर्नमेंट कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेगा। उसके बाद ही क्या होगा, जो आईसीएमआर है वो ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करा पाएगा। उससे पहले ये एग्ज़ाम जो है वो होना नामुमकिन है। ठीक है, तो अब अगर आपको इसका जो ऑफिशियल डेट या ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए होगा, तो ये नोटिफिकेशन लेने के लिए आपको रेगुलरली जो आईसीएमआर की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको चेक करना होगा। तो आपको 31 जुलाई तक तो वैसे भी कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला, और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी कोई नहीं आएगा एग्ज़ाम से रिलेटेड या डेट से रिलेटेड। तो 31 जुलाई के बाद से क्या होगा, मे बी सिचुएशन थोड़ा अगर बेटर होगी तो उसके बाद अगर गवर्नमेंट ऑर्डर देती है ये सब एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, तभी जाके आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा। तो इसके लिए आप कंटिन्यू आईसीएमआर की वेबसाइट चेक करते रहिए, फ्रॉम 1 अगस्त से चेक करते रहिए, ताकि अगर कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आता है एग्ज़ाम से रिलेटेड या डेट से रिलेटेड तो आपको वो मिल जाएगा। तो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था आईसीएमआर जेआरएफ पोस्टपोनमेंट एग्ज़ाम के लिए, या आईसीएमआर जो जेआरएफ का एग्ज़ाम है उसे पोस्टपोन कर दिया गया है अब इस, और इसकी जो ऑफिशियल डेट है वो अभी अनाउंस नहीं की गई है। तो यहीं पे जो मेरा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएँ, ताकि आपको इस टाइप के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।